करौली में झमाझम बारिश का दौर जारी है और सपोटरा में रात भर बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और छत से पानी टपकने से पुलिसकर्मी अब परेशान हो रहे हैं। जर्जर क्वार्टरों में रात भर जो है पानी का रिसाव हुआ है। बारिश से लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। स्कूली बच्चे और सरकारी कर्मचारी भी परेशान होते हुए दिखे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, करौली में झमाझम बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लगातार बारिश होने से पुलिसकर्मी भी परेशान है क्योंकि थाने में भी पानी भर गया है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए कितना जलभराव यहां पर हो गया है, कैसे लोग जो है सड़क पार करते हुए दिख रहे हैं। बारिश की वजह से जो है दुकानों तक में पानी घुस गया है। आप देखिए कैसे एक युवक आपको नजर आ रहा है जो कि हाथ में कपड़े लेकर के जा रहा है दुकान पर और पानी कितना ज्यादा भर गया है आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो जर्जर क्वार्टरों में रात भर जो है पानी का रिसाव होता रहा। बारिश से लोगों की दिनचर्या भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। स्कूली बच्चे और सरकारी कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। और अब खबर जयपुर से है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पक्षियों को चूगा खिला रहे। मुख्यमंत्री आवास पर आज सुबह मोर को चूगा खिलाते हुए फोटो वायरल हुआ है। तो एक्सपर्ट सीएम ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि आज प्रातः काल की बेला में मुख्यमंत्री आवास पर भगवान कार्तिकेय के वाहन पक्षियों के राजा राष्ट्रीय पक्षी मोर को आहार प्रदान किया। ईश्वर द्वारा सृजित भगवान श्री कृष्ण की परछाई के रूप में विख्यात राष्ट्रीय पक्षी मोर सौंदर्य प्रेम एवं स्नेह का प्रतीक है। इनकी सेवा स्वयं में आराधना है जो दैवीय कृपा से कम नहीं है। तो आप देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं मोर को चूगा खिलाते हुए, ये तस्वीर है सीएम भजनलाल की जो कि अब वायरल भी हो रही है। लोगों के द्वारा काफी पसंद भी इस तस्वीर को किया जा रहा है। सीएम भजनलाल ने पक्षियों को जो है चूगा खिलाया है और अब ये तस्वीर लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। सीएम ने जो है एक्स हैंडल पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा भी है। खबर भीलवाड़ा से है जहां बडला चौराहे के पास अचानक जमीन धंस गई और इसके चलते सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि इस घटना के चलते किसी को चोट नहीं आई है लेकिन सड़क के धंसने से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। एक बारगी किसी को यह समझ नहीं आया कि यह गड्ढा क्यों हुआ। इसकी जानकारी नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक को लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे के आसपास हो रही भीड़ को खाली करवाया गया। मामले की जानकारी जैसे ही जिला कलेक्टर नमित मेहता को मिली, इसके बाद तुरंत मौके पर नगर परिषद आयुक्त को भेजकर सड़क की मरम्मत जो है वो करवाई गई। तो देखिए आप देख पा रहे हैं भीलवाड़ा की तस्वीर है, कितना बड़ा गड्ढा ये सड़क पर दिख रहा है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, अचानक सड़क धंसने से 5 फीट ये गड्ढा हो गया। प्रशासन के दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखी और जैसे ही जमीन धसी ये गड्ढा हुआ तो अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। जीएम के आदेश के बाद जो है सड़क की मरम्मत करवाई गई। दो साल पहले इसमें एक नीचे सीवरेज की लाइन है तो यहाँ तालाब नजदीक है और पानी भी दोनों तरफ तो सीपेज की वजह से, जैसे हमारे एक साहब को उनको दिखवाया नीचे, तो सीपेज की वजह से और लैंड में जो भराव के बाद सेटलमेंट होता है उस वजह से कोई कमजोर हो गई और अचानक गड्ढा हुआ था। लेकिन तत्काल यार टीमें आ गई नगर परिषद की और फिलअप कर दिया उसको, अब कोई इशू नहीं। अभी मैंने सबको निर्देश दे दिया हमारी टेक्निकल टीम को, जहाँ भी ऐसी संभावना है वहाँ सभी जगह जाकर चेक कर लो। आरओडीपी जो लाइन डाली गई है जहाँ जहाँ है गहराई में ज़्यादा है वहाँ सभी जगह चेक कर रहे हैं तो निकालेंगे। ऐसे कोई पहला ही हादसा हुआ, ऐसा हादसा नहीं कह सकते, हालांकि रोड धंसी है और अच्छी किस्मत से है कि भाई कोई हादसा हुआ नहीं, और भी बाकी चेक करवा रहे हैं। खबर कोटपुतली बारोड से है जहां बांसूर में जोरदार बारिश के चलते एक महाविद्यालय के निर्माणाधीन बिल्डिंग और ओबीसी महिला छात्रावास में पानी घुस गया। बांसूर में लगातार बारिश से महाविद्यालय की नवनिर्मित भवन के परिसर के चारों ओर बारिश का पानी भर गया है। वहीं ओबीसी महिला छात्रावास में नाले का पानी आ जाने से अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। गनीमत ये रही कि 3 दिन की छुट्टी होने पर अधिकतर छात्राएं अपने घर चली गई। महिला छात्रावास के एक गेट में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, वहीं कर्मचारी पानी की निकासी करने में लगे हुए हैं। दूर दराज के गांवों से आया ये नाले का पानी सभी को बेचैन कर रहा है।
टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिसलपुर बांध में जलभराव की स्थिति अब चिंताजनक हो गई है। अभी भी बांध का जो जलस्तर है 311.96 मीटर है। बिसलपुर बांध का कुल जलभराव जो है 315.50 मीटर है। बांध से मार्च 2025 तक जो है पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। जयपुर अजमेर टोंक दौसा में जो है पेयजल आपूर्ति होती है। पूरे मानसून सत्र में बांध में जो है सिर्फ 2 मीटर पानी आया है। 60% से ज्यादा बिसलपुर बांध अभी भी खाली पड़ा हुआ है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों से हादसे की खबरें भी सामने आ रही है। यहां अजमेर में 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई, वहीं दूसरी तरफ दौसा में पानी की टंकी भरभरा करके गिर गई। देखिए रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद हादसों का दौर। दौसा में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी। अजमेर में धड़ाम से गिरी 3 मंजिला इमारत। भारी बारिश एक तरफ जहां उमस और गर्मी से राहत दे रही है, वहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई जगहों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। अजमेर के कैसरगंज में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई। वहीं दौसा में लगातार बारिश के बाद पानी की टंकी गिर गई। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी दौसा के किला सागर पर बनी हुई थी, जहां आबादी क्षेत्र नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दौसा के महुआ में पिछले 36 घंटे में 263 mm बारिश दर्ज की गई है। इतनी बारिश के बाद महुआ पानी पानी हो गया है। ओच सर वैसे 1975 की बनी हुई है, काफी पुरानी ओच सर थी और इसको मतलब अबंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करवा के रिपोर्ट भी ले ली थी इसकी तोड़वाने की कार्रवाई से पहले इसमें जो सप्लाई हो रही थी इस एरिया को, उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने का प्रक्रिया हमारी चल रही थी। इस दरमियान ये घटना घटी तो इसकी जगह पर वैसे 29 लाख लीटर की OHSR सैंक्शन है, इसकी जगह पर ही बननी है। एक तरफ मकान गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद घरों में दरारें भी आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर अलवर के कचुमर खेड़ली इलाके से आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं घरों में दरार भी पड़ गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों द्वारा दूसरे के घरों में शरण लेने को लोग मजबूर हैं। धौलपुर के टांडा गांव में पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी किनारे अपने दोस्त के साथ पशु चरा रहा था। इसी दौरान नदी में नहाते वक्त दोनों डूबने लगे, जिसमें से एक को बचा लिया गया। कोटपुतली के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह जलभराव। कोटपुतली में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं जाम के हालात बन गए हैं। बारिश का असर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। यहां हाईवे और सर्विस रोड पर जलभराव तथा गड्ढे हो गए हैं, ऐसे में यहां जाम की स्थिति बन रही है। उधर जयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश जारी, हम दिखा सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं। ये इलाका ऐसा है जहां सर्वाधिक जो है लोग यहां से निकलते हैं। हरियाली से भरा ये जो मौसम है वो अब इस बारिश की पूरी बयां अपने आप जो है कह रहा है। चूंकि लगातार बारिश के कारण हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। कई जगह जो नाले चौक हो गए थे उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। झुंझुनू के अलग अलग इलाकों से भी परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिलानी तहसील में एक तरफ तेज बारिश के बाद पावर हाउस जलमग्न हो गया, गाँव की बिजली कटौती हो रही है। बिजली घर में पानी भरने के बाद हादसे का खौफ छाया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना कस्बे में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश होने के कारण सुल्ताना में 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई है, जिस कारण से पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ पे भरा हुआ है, लेकिन पंचायत इससे कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है और आने वाले 3-4 दिन में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने ये जाहिर किया है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश के बाद परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।
प्रदेश में भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। आपको हम टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर के खाजूवाला की है, जहां बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों के घर और दुकान जो है वो तालाब बन चुके हैं। खासकर निचले इलाकों के घर जो है पानी में डूब चुके हैं। दूसरी तस्वीर अलवर के सरिस्का की वादियों की है, जहां नलदेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले उफनते नाले में 200 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए हैं। बाद में पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाली है। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं धौलपुर के सैपऊ की ये तस्वीर है, जहां पार्वती नदी के पुराने पुल पर पानी के तेज बहाव में करीब एक दर्जन गाय जो है वो बह गई। हालांकि करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर के सभी गाय नदी से बाहर निकल आई। और अब खबर दौसा से है, जहां पर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली प्रतिभाशाली बालिकाओं को हवाई यात्रा का सपना जो है उनका पूरा किया जा रहा है। और यह सपना सिकराय से भाजपा विधायक विक्रम बंसीवाल के द्वारा किया जा रहा है। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली प्रतिभाशाली बालिकाओं को आज हवाई यात्रा के जरिए जो है अयोध्या ले जाया जा रहा है। और इस हवाई यात्रा के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 48 बालिकाओं को शामिल किया गया है, जो हवाई यात्रा से अयोध्या पहुंचेंगे। और अयोध्या में ये बालिकाएं रामलला का दर्शन करेंगी, साथ ही जानेंगे कि अयोध्या का भव्य मंदिर कैसा है। दौसा के सिकराय से ये बालिकाएं राजस्थान रोडवेज में सवार होकर जयपुर जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद एरोप्लेन में बात करके अयोध्या पहुंचेंगी और भगवान रामलला के दर्शन करेंगी। जब रामलला के यहाँ पे पधारे अयोध्या में, तब हमने एक वादा किया था कि हमारी जितनी भी प्रतिभाशाली बच्चियाँ हैं और जो 90% से ऊपर लेके आई हैं, उन सबको हम अयोध्या लेके जाएंगे हवाई यात्रा द्वारा। और आज हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं, इन सब बच्चियों को दिखाने जा रहे हैं कि कितनी मुश्किलों से वहाँ पर राम मंदिर बना, कितने संघर्षों के बाद वहाँ पर राम मंदिर बना, और अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक हम पहल कर रहे हैं। और साथ में इन बच्चियों का भी उत्साह रहेगा शिक्षा के प्रति, और आने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी उत्साह होगा कि आगे भी ऐसे वो अच्छे नंबर लाएं तो कुछ ना कुछ उनको फल मिलता है। राजधानी जयपुर के फेमस होटल हयात में चोरी हुई है। मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जयपुर के मुहाना थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक होटल हयात से 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पीड़ित परिवार तेलंगाना के साय बराबाद का रहने वाला है, जो कि जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने आया था। शादी के दौरान ही मंडप के पास से सोने चांदी के जेवरात और कैश से भरा बैग चोरी हो गया। इस बैग में 1,44,00,000 रुपए के गहने और नकदी थी। मामले की शिकायत तेलंगाना के साय बराबाद निवासी कारोबारी नरेश कुमार गुप्ता ने मुहाना थाने में दर्ज कराई है। पीएम मोदी को धमकी मामले में इंटेलिजेंस की टीम डी के पहाड़ी थाने पहुंची, जहां लोकेशन के आधार पर आरोपी को डिटेन किया गया है। उसके एक अन्य साथी को भी हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी का नाम राहुल मेव बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस आरोपी को इंटेलिजेंस की टीम तलाश कर रही थी, वो पहाड़ी थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को शॉपिंग करा रहा था और इंटेलिजेंस की टीम से बचता रहा। यह आरोपी साइबर ठगी के मामले में भी वांछित था। जैसे ही पुलिस की दबिश का पता लगा तो आरोपी पहाड़ी थाने के पुलिस कर्मियों से जानकारी करके इधर उधर हो जाता था। हालांकि पहाड़ी थाने के थाना अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने के मामले में अब लगातार आईबी की टीम कार्रवाई कर रही है। बीच जिले के पहाड़ी थाने के इलाके में दबिश दी गई, जहां 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री को धमकी दी थी। और उस मामले में अब आईबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दोनों आरोपियों को आईबी की टीम लगातार ढूंढ रही थी, इनके लिए दबिश दी जा रही थी, वो दोनों आरोपियों में से एक आरोपी पहाड़ी थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को शॉपिंग करा रहा था। और वो शॉपिंग इस एवज में कराई जा रही थी कि जब आईबी की टीम या अन्य कोई टीम दबिश देने के लिए आए तो उसका पता लग जाए आरोपी को और वो लेकिन अब इस पूरे मामले में आईबी की टीम ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 पुलिसकर्मियों का जो नाम सामने आया है, उसमें खुद बीग पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले की जानकारी कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।